कृपया नीचे लाल दिख रहे सब्सक्राइब बटन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी को भी दबाएं ताकि हर न्यूज़ आपको पहले मिले। मैं हूं अमजद हुसैन और आप हैं इस वक्त सिटी 24 न्यूज के संग हर पल नई खबर। गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर में बंद पड़े सभी नलकूपों ट्यूबवेल को चालू कराने तथा मेरा टोला अवस्थित नलकूप द्वारा सभी किसानों के खेतों में खराब पड़ी पाइपलाइन बदलवाकर अविलंब मौसम की मार झेल रहे किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए मीरा टोला के किसानों ने जिला परिषद सदस्य विजय यादव तथा मुखिया संघ के अध्यक्ष सुनील सिंह के नेतृत्व में सांकेतिक आंदोलन पर जिला प्रशासन को चेतावनी दी और कहा कि अगर एक सप्ताह के अंदर नलकूप चालू नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। गोपालगंज से सिटी 24 न्यूज के लिए दीपक कुमार दुबे की रिपोर्ट। खजुहट्टी पंचायत के किसानों के द्वारा बहुत दिनों से बंद पड़ी यह नल के प्रति सरकार के उदासीनता और सरकार के किसानों के प्रति कार्यशैली को लेकर आज मुखिया जी के नेतृत्व में लोगों ने रोड पर बैठा, इस नल के सामने, ये ट्यूबवेल के सामने लोगों ने धरना दिया, प्रदर्शन किया और लोगों ने यह सरकार प्रशासन जिला प्रशासन को चेतावनी दिया कि एक सप्ताह के अंदर हर खेत को अगर पानी नहीं मिल जाता है तब तक जो है सो हम लोग सरकार प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करेंगे। अगर इस क्रम में अगर यह कार्य मेरा पूर्ण नहीं हुआ तो हम जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन करेंगे। हम इन सबों के मांगों को समर्थन में एक किसानों के हित में हमने भी समर्थन किया। गोपालगंज जिला के कुचायकोट में दो बाइक सवार में एक की सड़क दुर्घटना में मौत, दूसरा घायल, पुलिस शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है।